हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईएमआई की कैलकुलेशन। हर एक ने इसके बारे में सुना है, ईएमआई क्या है। अगर आप लोन लेते हो तो हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट ऐसे इंस्टॉलमेंट आप पे करनी होती है, और वो जो फिक्स अमाउंट है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, और सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट कम और प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होते हैं। और उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। लोन अमाउंट 1 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, टू बी रिपेड इन 12 मंथ्स। सबसे पहले आर इज इक्वल टू 12% ईयरली 12 मंथ्स। वन परसेंट यानी कि 1/100, 0.01। एन यानी हाउ मेनी टाइम्स, यहां पर 12 मंथ्स है तो हर महीने एक एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, तो 12 टाइम्स इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, एन इज इक्वल टू 12। P into R into 1 plus R is 20 upon 1 plus R is 20 minus 1. P 1 lakh, R is equal to 0.01. Into 0.01 is equal to 1000.
1.01. ओके, अभी यहां पर 1.01 होल रेस्ट टू 12 है, तो रेस्ट टू 12 है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैलकुलेटर पर 1.01 इंटू इंटू दो बार हम मल्टीप्लीकेशन का जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे, फिर 11 टाइम्स इक्वल टू का जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे, यानी 1.01 इंटू इंटू टू टाइम्स, और फिर इक्वल टू का जो स्विच है वो हम 11 टाइम्स 11 बार उसको हम प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 1.01 इंटू इंटू टू टाइम्स इक्वल टू 11 टाइम्स। आंसर आएगा 1.12 68 250 301। इसका फाइनल आंसर देखें तो 1.1268 upon 0.12 इंटू 1000, तो आंसर आएगा 8885। तो 8885 ईएमआई का आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक स्टडी कर लें। अगर 2:8 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 2 is equal to 8, तो 2 raised to 4 उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, या तो फिर 4 raised to 4 यानी 4 into 2, तो 2 raised to 4 होल स्क्वायर, या तो फिर 2 raised to 2 raised to 4, तो इनका आंसर आएगा 256। सिमिलरली फोर इज टू सिक्स फोर जीरो नाइन सिक्स फोर सिक्स यानी 3 into 2, हाँ ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का आंसर सेम आएगा, चेक करो।
आई होप ये आपको अच्छा लगेगा कि इससे आप किसी भी तरह से आपकी जो कैलकुलेशन है उसको कम कर सकते हो। उसका यूज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। P is equal to 10 lakhs, R is equal to A per annum, यानी कि yearly है। Yearly, तो monthly कितना होगा? 10.5 upon 12. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स आपको भरने पड़ेंगे, कितनी बार आपको भरना पड़ेगा? 15 years और per year 12 installments, यानी कि 12 times, तो टोटल होगा 180 times, ओके। अभी फॉर्मूला में रखेंगे, यानी जो अमाउंट होगा, जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको 180 times पे करना है। P into R, P यानी 10 lakhs, R यानी अभी हमने देखा R की वैल्यू 0.00875, N is equal to 180, its answer 8750 into 18 10
इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो फिर 1.00875:10 एंड होल रेस टू 18 ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा हमने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में देखा। और ये भी आप ध्यान में रखो कि जितना इसका पावर है यानी कि रेस टू 18 है, तो हमें क्या करना है, पहले 1.00875 कैलकुलेटर पर लिखो, फिर इंटू इंटू टू टाइम्स, दो बार हमें मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो प्रेस करना है, और फिर 18 है तो 17 टाइम्स हमें इक्वल टू का जो स्विच है उसको प्रेस करना है, यानी कि जितना है उससे कम, 18 है तो 17, 20 है तो 19, 11 है तो 10, उतनी बार हमें प्रेस करना है। अभी 1.16977 अभी उसका रेस टू 10, तो हम क्या करेंगे, इनटू इनटू टू टाइम्स, फिर इक्वल टू का स्विच है वो 9 टाइम्स प्रेस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 4.79। इसका फाइनल आंसर एग्जाम में आपको स्पीड में करना है, और आपको कोई कैलकुलेशन बतानी नहीं है, क्योंकि आपके सामने दो क्वेश्चन है और उसके चार ऑप्शन है यानी कि एमसीक्यू है, तो कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है आंसर, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ओके, इसका फाइनल आंसर
आंसर आएगा फाइनल 11054। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ जानकारी इससे मिलेगी। इस तरह के वीडियो आपको और भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, उसके लिए मेरी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। ओके, थैंक यू।